जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आर्ट्स के जो क्वेश्चन बैंक है, इसके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको हिस्ट्री को शुरू करेंगे, और इसमें आपको सबसे पहले 2009 के जो भी पूछे गए क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या करा है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर केवल ऑप्शन लिख के हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए क्या करा है, अब ध्यान से सुनेंगे कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। तो देखिए, तो आपका जो ऑप्शन है ए में आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका, वो क्या है बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से मिलाएंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वह है आपको बिंदुसार, क्या है, बिंदुसार। और ये जो सी नंबर ऑप्शन है वह है आपको अशोक, क्या है, अशोक है। और डी नंबर जो ऑप्शन है वह आपको कनिष्क है, क्या है, कनिष्क है। तो आप लोग को अब तक पता चल गया होगा कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपको अशोक होगा, कौन होगा, अशोक होगा। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि जो भी शासक है उन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, तो ये जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, यह आपको मौर्य एम्पायर के क्या थे कि संस्थापक थे, ठीक है ना। और मौर्य एम्पायर जो थे उन्हीं को सबसे पहले आपको ख्याति प्राप्त है कि इन्होंने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक के बंधन में बांधने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है ना। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना, इन्हें भारत के ऐतिहासिक सम्राट के रूप में क्या है कि प्रसिद्धि मिली है, ठीक है ना। दूसरा जो शासक जो आप देख रहे हैं बिंदुसार, यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी नहीं था, क्या था, उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है ना, जिसे हम लोग अमित्रघात के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे कि ये जो बिंदुसार है इसे ना हम लोग अमित्रघात के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अमित्र घात के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक आपको नाम है सेंड्रोकोटस, क्या नाम है इसका, सेंड्रोकोटस। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में जो है आपको सेंड्रोकोटस कहा गया, जबकि बिंदुसार को जो है वो आपको अमित्र घात कहा जाता है। तो अमित्र घात का मतलब होता क्या है, तो याद रखेंगे शत्रु विनाशक। उसके बाद है आपको अशोक, ठीक है ना, जिसने धम्म महामात्र को क्या किया था, नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो ये जो अशोक है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि राजा के नाम से भी जानते हैं, अशोक के नाम से भी जानते हैं, और प्रियदर्शी के नाम से भी इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया से इसे क्या करना है, याद रखना। और ये जो अशोक है, ठीक है ना, इसने क्या था कि आपको ये जो कलिंग युद्ध है जो आपको 261 ईसापुर में हुआ था, याद रखेंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसापुर में। तो इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो था वो आपको बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कारण क्या था कि इस कलिंग युद्ध में अशोक जो था वह तो युद्ध जीतने के लिए जीत गया, लेकिन साथियों इस युद्ध में क्या था कि आपको 100,000 लोग जो थे वो आपको मारे गए थे, वहीं आपको 150,000 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो इसी कठोर दृश्य को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और इसने क्या किया जानते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसके बाद इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो थी संगमित्रा, उसको क्या किया जानते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था, तो क्या कहेंगे, अशोक। अशोक ने किस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो हम कहेंगे कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कनिष्क। तो देखिए, कनिष्क जो है वो आपको कुषाण वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का, ठीक है ना। और यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। और ऊपर के ये तीनों शासक देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है ना, तो ये सभी जो है आपको मौर्य एम्पायर के शासक है, जबकि आपको कनिष्क जो है वो आपको कुषाण वंश के क्या है कि आपको शासक है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको एक नंबर क्वेश्चन जो होंगे वो पूरा के पूरा समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो फिर से एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, 2009 के जो हिस्ट्री का है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए क्या करा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो देखिए धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किए थे वह आपको अशोक नियुक्त किए थे, ठीक है ना। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसका नाम ऑप्शन ए बी सी डी करके लिखेंगे और क्वेश्चन का नंबर इधर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन का नंबर दो जो है वो देखिए क्या कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो देखिए, तो ए में कह रहा है आपको जैन धर्म, क्या कह रहा है, जैन धर्म। देखिए ऑप्शन लिख के हम इसका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जैन धर्म, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऑप्शन बी जो है वह आपको क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो वह कह रहा है आपको बौद्ध धर्म, क्या है, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है, तो आपको बौद्ध धर्म। और ऑप्शन सी जो है ध्यान से सुनेंगे वह है आपको शैव धर्म, क्या है, शैव धर्म,
ठीक है ना। और ऑप्शन जो डी है क्या है, डी है, तो ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है, वैष्णव धर्म, क्या कह रहा है, वैष्णव धर्म। तो आपको याद रखना है कि जो वैष्णव धर्म है इसके जो प्रवर्तक थे, क्या थे, प्रवर्तक थे, वो आपको श्री कृष्ण थे। कौन थे, श्री कृष्ण थे। तो इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए तो यह जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर एक जैन धर्म आया, तो जैन धर्म से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है तो उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। तो जैन धर्म के अगर आपसे संस्थापक पूछा जाता है तो वो आपको ऋषभ देव होंगे। कौन होंगे, जैन धर्म के संस्थापक आपको ऋषभ देव होंगे। जबकि इसके वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वह आपको महावीर स्वामी, कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी। तो आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ये जो ऋषभ देव है ना, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो जैन धर्म में जो है साथियों कुल मिलाकर आपको 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थकर जो थे वो आपको ऋषभ देव थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपके 23वें तीर्थकर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो 23वें तीर्थकर जो थे वह आपको पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर जो थे जैन धर्म के वह आपको कौन थे, महावीर स्वामी, और ये अंतिम तीर्थकर भी थे, ठीक है ना। तीन चीजों को आपको याद रखना है। और दो नंबर में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी के पंचव्रत क्या थे, तो इसमें आपको सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और क्या था, ब्रह्मचर्य था, क्या था, ब्रह्मचर्य था। तो ये जो ऊपर का चार सिद्धांत देख रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह, तो यह आपको पार्श्वनाथ का मूल सिद्धांत था। और इसमें बाद में क्या हुआ था कि आपको महावीर स्वामी ने क्या किया था, जानते हैं कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तब जाकर क्या हुआ था कि महावीर स्वामी के पंच महाव्रत कहलाए। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न कर रहा है आपका दूसरा, कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध जो किससे, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से। और एक चीज और याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे, ठीक है ना, वह आपको कौन थे, महात्मा बुद्ध, कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, ठीक है ना। तो ये जो महात्मा बुद्ध है इन्हें हम लोग कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, मतलब कि एशिया का ज्योतिपुंज जो है इन्हें कहा जाता है। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। आपको शैव धर्म में जो है आपको लिंग पूजा जो है, ठीक है ना, इसको प्रमुखता दी गई है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे कि ये जो लिंग पूजा है इसका जो स्पष्ट वर्णन है वह आपको मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में। और इस मत्स्य पुराण से आपको सातवाहन वंश के बारे में क्या होती है, तो आपको जानकारी मिलती है, क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से नोट करते चलना है, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो साथियों ये जो आप लोगों को क्लास दी जा रही है, ठीक है ना, बड़ी मेहनत से दी जा रही है, आप लोग इनके सारे चीजों को क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 13 बैच पढ़ाने के बाद हम आपको ये जो लाइव क्लास है वो अपने घर से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे अच्छे से और लाइफ में काफी इंप्रूव करें, आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिए कि कनिष्क का राज्य रोहन तिथि क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन लिखने की बात नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न को सीधे समझिए, कह रहा है कि कनिष्क की राज्य रोहन तिथि क्या है। तो देखिए तो ये जो कनिष्क है ना, ये आपको कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, क्या था, कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। और इसका जो राज्य रोहन हुआ था वो आपको 78 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 78 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक ये क्या किया था, तो आपको शासन किया था, कितना किया था, 78 से आपको 101 ईस्वी तक यह शासन किया था। और कुछ जो आपको चीनी ग्रंथ है और कुछ जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें यह माना जाता है कि कनिष्क की जो हत्या थी इसके अपने लोगों ने ही क्या हुआ था, किससे परेशान होकर क्या हुआ था कि आपको कर दिया था। और ये जो कनिष्क है वह रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला क्या था कि सबसे प्रमुख शासक था। और ये जो रेशम मार्ग था इसी से होकर आपको प्राचीन काल में क्या होता था कि एशिया और यूरोप का क्या होता था, आपको व्यापार होता था। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है, समझना है। और ये जो कनिष्क है, कनिष्क के समय में चतुर्थ भाव संगति जो थी, ठीक है ना, वो आपको हुई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए चतुर्थ भाव संगति कब हुई थी, तो यह आपको ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहां हुई थी, तो यह आपको कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कहां हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो आपको बसुमित्र ने किया था, जबकि इसकी उपाध्यक्षता जो है, ठीक है ना, वो आपको कौन किए थे जानते हैं, तो वो आपको अश्वघोष किए थे। और अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, जिसे हम लोग बौद्धों का क्या कहते हैं, रामायण कहते हैं, क्या कहते हैं, रामायण कहते हैं। तो यहां से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कनिष्क का राज्य रोहन कब हुआ था, तब क्या कहोगे, 78 ईस्वी में हुआ था। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्लियर करना है। और कनिष्क जो है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का क्या था, अनुयायी था। किस धर्म का, तो देखिए तो बौद्ध धर्म के महायान
जो आपको संप्रदाय था उसी का यह क्या था, अनुयायी था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर यह महायान क्या है, तो यह आपको बौद्ध धर्म के क्या है, एक संप्रदाय है। तो महायान जो थे वह गौतम बुद्ध के मूल विचारों के साथ साथ क्या क्या था उसमें कुछ परिवर्तन भी किया, और गौतम बुद्ध को मूर्ति बनाकर इसने क्या करने लगा कि पूजा करने लगा। दूसरी बात कि गौतम बुद्ध को जो भगवान का दर्जा मिला था वह आपको कनिष्ठ के समय में मिला था। तो इन बातों को भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो महायान है, ठीक है ना, हीनयान है, क्या है, हीनयान है, वज्रयान है, क्या है, वज्रयान है, ये सब आपको क्या है। ये सभी जो है आपको बौद्ध संप्रदाय है, क्या है, बौद्ध संप्रदाय है। तो इधर से याद रखिएगा कि ये जो आपको महायान है और ये जो हीनयान है, ये आपको चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बना था, जबकि आपको ये जो देख रहे हैं वज्रयान, ठीक है ना, इसका उदय आपको बंगाल और क्या हुआ था, जानते हैं, आपको बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में हुआ था, ठीक है, आपको 8वीं सदी में। किस सदी में, 8वीं सदी में। तो ये जो संप्रदाय के लोग है या जादू टोना, इन सारे चीजों को क्या करते थे, आपको मानते थे, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म के पतन में इस शाखा का क्या है कि बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें आपको महिला पुरुष जो होते थे साथ आपको रहा करते थे। दूसरी बात थी कि आपको जो मदिरा है उस मदिरा का भी ये लोग क्या करते थे, साथ में सेवन करते थे, जिसके कारण क्या था कि मठ में काफी ज्यादा बुराइयां आ गई थी, और उस वजह से क्या हुआ था कि आपको बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या होने लगा था, पतन होने लगा था। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिये, करा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ये आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले पांचवा को हम क्लियर कर देते, चार नंबर प्रश्न को पढ़ना भूल गए हैं। तो देखिए पांचवा क्या कर रहा है, देखिए एकदम छोटा सा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा था। सबसे पहले पार्श्वनाथ के सिद्धांत जान लीजिए कौन कौन था। एक सबसे पहले आपको सत्य था, क्या था, सत्य था। इसके अलावा आपको अहिंसा था, क्या था, अहिंसा था। अहिंसा के अलावा जो था वह आपको क्या था, अस्तेय, क्या था, अस्तेय था, क्या था, अस्तेय था। और अस्तेय के अलावा साथियों जो आपको क्या है कि चौथा जो था वो आपको अपरिग्रह था, क्या था, अपरिग्रह था। और इसके बाद जो आपको पांचवा सिद्धांत जो जोड़े थे महावीर स्वामी ने, ठीक है ना, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो जोड़े थे महावीर स्वामी, वो आपको ब्रह्मचर्य जोड़े थे, क्या जोड़े थे, ब्रह्मचर्य। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है क्या, देखिये ध्यान से, कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो देखिए पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने एक नया सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है पार्श्वनाथ का चार सिद्धांत कौन कौन था, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य का मतलब हुआ कि हमेशा आप सत्य बोलिए, अहिंसा मतलब कभी किसी जीव की हत्या ना करें, ठीक है ना, अस्तेय का मतलब हुआ कि कभी आप चोरी ना करें, ठीक है ना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह न करें, क्या करें, न करें, ठीक है ना। तो ही आपका प्रश्न खड़ा है पांचवा नंबर कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो वो आपको ब्रह्मचर्य जोड़े थे, ठीक है ना। तो पांच नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न जो है, इसको हम क्लियर करना मतलब भूल गए थे, तो आइए इसको हम लोग क्लियर करते थे। देखिये इसमें आपको चौथा प्रश्न क्या, देखिए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ठीक है ना। तो देखिये ये जो महाभारत है, क्या है, महाभारत है, इसको समझिए, ठीक है ना। तो महाभारत जो है वह आपको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह आपको कौन है, जानते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वह आपको महाभारत है। तो फिर यहां से एक प्रश्न आएगी कि सर ये जो महाकाव्य है इसका मूल नाम क्या था। तो देखिए ये जो महाभारत है दुनिया का तो सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसका जो मूल नाम था वो आपको जय संहिता था, क्या था, जय संहिता। तो जय संहिता इसका नाम कब था, तो जब आपको इसमें 8800 श्लोक था, क्या था, 8800 श्लोक था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि महाभारत का मूल नाम क्या था, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको जय संहिता। तो इसको जय संहिता कब कहा जाता था, तो जब इसमें आपको 8800 श्लोक था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जय संहिता का मतलब क्या होता है। तो देखिये महाभारत में शुरू में क्या था कि आपको युद्ध विजय संबंधित क्या था, कि आपको संचयन था, क्या था, संचयन था, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम जय संहिता पड़ा। लेकिन जब श्लोक की संख्या बढ़कर देखिए कितना हुआ, 8800 से बढ़कर जब 24000 हुआ तब इसका नाम क्या पड़ा, तो आपको भारत पड़ा। लेकिन जब श्लोक की संख्या बढ़कर आपको 1 लाख से
अधिक हुआ तब इसका नाम जो है आपको क्या पड़ा जानते हैं, तो महाभारत पड़ा। क्या पड़ा? महाभारत पड़ा, ठीक है ना। और इसी महाभारत को हम लोग सप्त सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त सहस्त्र, ठीक है ना, संहिता भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सप्त सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे कि सर महाभारत को कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि महाभारत में जो है अभी आपको कितने श्लोक है, तो 1,00,000 से अधिक है, ठीक है ना। महाभारत क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है ना। और ये जो महाभारत देख रहे हैं इसका मूल नाम क्या था, तो इसका जो मूल नाम था ना वो आपको क्या था जानते हैं, तो यह आपको जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपके लिए, क्या जानते हैं कि महाभारत के जो रचयिता है, क्या है रचयिता है, वो कौन है? तो देखिये महाभारत के जो रचयिता है वो आपको महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। या देखिएगा कि महाभारत के जो रचयिता है कौन है बताइए, था वो आपको महर्षि वेदव्यास है। तो ये कैमे नंबर के वेदव्यास ने महाभारत की रचना किए थे जानते हैं, तो आपको 28वें नंबर के जो वेदव्यास है उन्होंने क्या किया था कि आपको महाभारत की रचना किए थे। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो देखिये महाभारत की रचना जो है आपको संस्कृत भाषा में हुई थी। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगी कि महाभारत में पर्व कितने हैं, तो आप लोग बताइए कि महाभारत में पर्व कितने हैं, ठीक है ना। जब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो महाभारत में जो पर्व है आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए कुछ लोगों का आंसर जो है अब आना शुरू हुआ। चलिए बिल्कुल सही है। तो देखिए महाभारत में जो पर्व है वो आपको बिल्कुल सही बताया कि आपको 18 है। क्या है? 18 है। और इसमें जो आपको अध्याय है, क्या है अध्याय, वो आपको कितना है, तो 948 है। क्या है? 948 है। और इसमें जो श्लोक की संख्या, क्या है श्लोक की संख्या, वो कितनी है जानते हैं, तो यह आपको 1,00,217 है। क्या है? 1,00,217 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि महाभारत में श्लोक की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 1,00,217 फिलहाल है, ठीक है ना। फिर है कि महाभारत का जो सर्वाधिक शिक्षा प्रद भाग है वो आपको कौन है, तो देखिए महाभारत का जो सर्वाधिक शिक्षा प्रद भाग है, ठीक है ना, वो आपको श्रीमद् भगवद गीता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। महाभारत का जो सर्वाधिक शिक्षा प्रद भाग है वो कौन है बताइए, श्रीमद् भगवद गीता है। क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा प्रद भाग कौन है, तो वह आपको श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता में आपको कितने श्लोक है, तो श्रीमद् भगवद गीता में आपको क्या है जानते हैं, तो यह जान लीजिए कि आपको 700 श्लोक है। इसके अलावा आपको 18 जो है वह आपको क्या जानते हैं अध्याय है। क्या है? अध्याय। तो याद रखिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा प्रद भाग है, ठीक है ना, इसमें कितने अध्याय है, तो आपको 18 अध्याय। और श्लोक की संख्या पूछेंगे तो कितना कहिएगा, तो आपको 700 है। कितने हैं? 700 है। फिर है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था, तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता का जो आपको अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, ठीक है ना, 1785 में। याद रखिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ था कब हुआ था, 1785 में। कौन किया था? तो वो बंदा था आपको चार्ल्स विलकिंस, ठीक है ना। और आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और जो भी त्रुटि हो, ठीक है ना, उस त्रुटि के संबंध में भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि अगले दिन से हम इस त्रुटि को क्या कर सके, समाप्त कर सके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आपका जो चौथा नंबर प्रश्न था वो यही कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो देखिए महाभारत का युद्ध जो है पांडवों और कौरवों के बीच में जो है वो आपको 18 दिनों तक चला था, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है छठा, देखिए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो देखिए प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो देखिए पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था, तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 1510 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो पुर्तगाली है गोवा पर अधिकार कब कर लिया था, 1510 में। और उस समय जो विजयनगर के शासक थे वो आपको कौन थे, कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। तो ये जो पुर्तगाली है या 1510 ईस्वी में गोवा पर आपको क्या किया था जानते हैं, अधिकार कर लिया था। लेकिन इसने गोवा को जानते हैं 1961 में 19 दिसंबर को मुक्त किया था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपको कि बताइए कि गोवा को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो आपको ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है। तो इन सभी को आपको अच्छे से देख लेना। और ये जो पुर्तगाली है, तो पुर्तगाली में जो आपको भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो आपको कौन था, तो आपको वास्को डी गामा था, जो आपको 20 मई 1498 को, कितना को, 20 मई 1498 को केरल के जो कालीकट तट है वहीं पर वो क्या हुआ था कि पहुंचा था, जहां पर उसका भव्य स्वागत जो था वो आपको
राजा जामोरिन के द्वारा जो था आपको किया गया था। और जब ये स्वदेश लौट रहे थे तो राजा जामोरिन ने उसे क्या किया था कि उपहास रूप जो था उसे क्या किया था कि आपको मसाला भेंट किया था, और इस मसाला को उसने क्या किया था कि आपको यूरोपीय बाजार में क्या किया था कि आपको जाकर बेच दिया, जिससे उसको क्या हुआ था कि आपको 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, आने जाने का खर्च काट कर, ठीक है ना। तब से क्या हुआ था कि आपको यूरोपीय कंपनियां जो है इसी के इस सफलता को देखते हुए क्या होता कि भारत में आना क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि भारत की खोज किसने किया था, तो आप लोग आंसर कर देते हो वास्को डी गामा, जो कि गलत है, ठीक है ना। आप यह कहेंगे कि यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने किया था, तब हम कहेंगे क्या जानते हैं, वास्को डी गामा। क्या कहेंगे, वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो देखिए, तो वास्को डी गामा को जब यहाँ पे सफलता मिली, ठीक है ना, वास्को डी गामा एक नाविक थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है, जिसमें से आपको लिखते चलेंगे आप लोग कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना आपको 1498 ईस्वी में होती है। फिर इसके बाद जो है पुर्तगाली के बाद जो आपको दूसरी कंपनी भारत में स्थापित होती है वो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 एडी में क्या होती है कि आपको स्थापित होती है। तीसरी कंपनी जो है वो आपको कौन है, तो वह है आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में हुआ था, ठीक है ना। फिर डच के बाद जो है आपको डेनिश, क्या है डेनिश, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको फ्रांसीसी, क्या है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। और उसके बाद जो है आपको स्वीडिश, इसकी स्थापना जो हुई थी 1731 ईस्वी में। हमने यहाँ पर क्या देखा कि यह सब कई सारे यूरोपीय कंपनियां हैं जो हमारे भारत क्या हुई थी कि आपको आई थी, ठीक है ना। और भारत में इन लोगों ने क्या किया कि आपको प्रारंभ में व्यापार किया था। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो सफलता मिला वो किसे मिला था, अंग्रेज को, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी उसी के आज्ञा पत्र के द्वारा क्या हुआ था कि आपको स्थापना हुआ था, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, इसका उद्देश्य था भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करना कि आपको व्यापार करना, क्या करना व्यापार करना, जैसे कि भारत हो गया, ये आपको चीन हो गया, क्या हो गया चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, क्या हो गया नेपाल हो गया, इन क्षेत्रों में व्यापार करने के उद्देश्य से ही क्या हुआ था आया था। इसके अलावा आपको इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ऐसे क्षेत्रों में ही व्यापार करने के लिए क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी। तो देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आ जाइए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो वो आपको 1510 में किया था। और पुर्तगालियों को, ठीक है ना, कि आपको गोवा से भगाया कब गया था, तो 1961 में। मतलब यह हुआ कि गोवा को पुर्तगाल से जो आजाद कराया गया था वो आपको 1961 में आजाद कराया गया था, ठीक है ना। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, कंटिन्यू लाइव क्लास जो होगी आपके एग्जाम तक चलेगी, ठीक है ना, तो आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कि सहायक संधि की नीति जो है किसने कार्यान्वित की थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 7वां नंबर, ठीक है ना। हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ, तो ये जो आपको सहायक संधि है, ठीक है ना, क्या है सहायक संधि, ठीक है, ऊपर हम दे देते हैं, यही आपका 7वां नंबर प्रश्न है, सहायक संधि के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, सहायक संधि के बारे में। तो देखिए कह रहा है कि सहायक संधि की नीति को किसने कार्यान्वित किया था, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन आपका कह रहा है क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था आपको, मतलब कि ऑप्शन दे रहा है, इसके बारे में बताएंगे ये क्या किए थे, ठीक है ना। उसके बाद बी में है आपको लॉर्ड कार्नवालिस, क्या है लॉर्ड कार्नवालिस, क्या है लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, क्या है सी नंबर ऑप्शन, देखिए वो कह रहा है आपको वेलेजली, क्या कह रहा है वेलेजली, क्या है वेलेजली, मतलब लॉर्ड वेलेजली, याद रखिएगा। और डी नंबर जो ऑप्शन है वह कह रहा है आपको डलहौजी, क्या है डलहौजी, क्या है डलहौजी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 7 का, देखिए क्या कह रहा है कि सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की थी, ठीक है ना। तो देखिए सहायक संधि की जो नीति है ना वह आपको लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था कि आपको कार्यान्वित की थी, ठीक है ना, मतलब लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करना, जानते हैं, तो आपको अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना, क्या करना विस्तार करना। और ये जो सहायक संधि है, इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो आपको हैदराबाद था, जिसने 1798 में क्या किया था सहायक संधि को स्वीकार किया था, क्या किया था स्वीकार किया था। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि लॉर्ड विलेजी का जो शासन काल है कब से कब तक है, तो इनका शासन काल 1798
1492 से आपको 1805 तक है। उसके बाद डलहौजी, इसका शासनकाल 1848 है, 1800 कितना है तो आपको 56 है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके या आपको 1793 तक क्या किया था कि आपको भारत में इसका कार्यकाल रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल जो है 1828 से आपको 1835 है। इसको आपको याद रखना है कि ये जो देख रहे हैं लॉर्ड विलेजली, इसका कार्यकाल जो कितना है, सॉरी लॉर्ड विलेजी कह रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल 1828 से 1835 आप लोग लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह इतिहास में सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है, तो इसने सती प्रथा को क्या किया था कि आपको समाप्त किया था, किसको समाप्त किया था, सती प्रथा को। साथ याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। कब? तो वो आपको 1829 में, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है ना। तो सती प्रथा के अंत करने से क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, यह आपको बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुए। क्योंकि आपको पता होगा कि 1833 में जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया था, क्या आया था, चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या किया गया था जानते हैं, तो आपको मतलब गवर्नर जनरल जो था वो आपको बनाया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, देखते कितने सारे लोग इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, क्या कहिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो फिर भी कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक ना। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के ही गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था जानते हैं, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि आपको अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो ये जो अस्थायी बंदोबस्त है ना, ध्यान से सुनिएगा, तो यह अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में, याद रखेंगे, ठीक है ना। और अस्थाई बंदोबस्त मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और ओडिशा में क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो हम क्या कहेंगे आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था, 1793 में, और 1793 में इसने कॉर्नवालिस कोड को भी क्या किया था, लागू किया था। तो इन सारे प्रश्न को लिखते चलना है, ठीक है ना। अब है आपको विलेजली, तो विलेजली का नाम जो है सहायक संधि से जुड़ा हुआ है। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी राज्य का विस्तार करना। और ये जो डलहौजी साहब है इसने क्या किया था जानते हैं, तो भारत में राज्य हड़प नीति को क्या किए थे, किए शुरू किए थे, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है वो कौन शुरू किए थे जानते हैं, तो वो आपको डलहौजी, ठीक है ना। तो राज्य हड़प नीति क्या है, राज्य हड़प नीति इसको कब शुरू किया गया था, 1848 में। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो आपको पहला राज्य था वह आपको सतारा था, क्या था, सतारा था, जिसे 1848 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो आपको अंतिम राज्य था, क्या था, अंतिम राज्य जो कौन था जानते हैं, अवध था। और इस अवध को 1856 में, ठीक है ना, कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया था जानते हैं कि आपको हड़प लिया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जानते हैं कि राज्य हड़प नीति का शिकार जो आपको पहला राज्य है, ठीक है ना, वो आपको कौन है, तो हम क्या कहेंगे सतारा, ठीक है ना। राज्य हड़प नीति का शिकार अंतिम राज्य कौन है, तो आपको अवध है। अवध को 1856 में क्या हुआ था, कुशासन का आरोप लगाकर क्या हुआ था कि आपको हड़प लिया गया था, ठीक है ना। तो फिर यहां से क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो राज्य हड़प नीति है यह क्या है, तो देखिए, तो ये जो डलहौजी साहब है इन्होंने क्या किया था कि आपको एक एक्ट लाया था, उस एक्ट के तहत यह कहा था कि जिस राज्य का अपना, ठीक है ना, आपको पैतृक उत्तराधिकारी नहीं होंगे, ठीक है ना, उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाएंगे। मतलब कि जिस राजा के पास अपनी संतान नहीं हो, अगर वह किसी पुत्र या पुत्री को गोद लिया हुआ है, तो अंग्रेज सरकार जो है उसको उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, और ऐसे राज्य को क्या करेगा कि वह अंग्रेजी राज्य में क्या कर लेगा कि आपको मिला लेगा। तो यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य कौन था, हम क्या कहेंगे कि आपको सतारा। राज्य हड़प नीति का शिकार अंतिम राज्य कौन था, अवध। हाँ, और झांसी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो झांसी को 1853 में क्या हुआ था कि राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था, ठीक है ना। इन सारे बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर आपका अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको
आठवां प्रश्न क्या करा कि अवध में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था। देखिए अवध में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपके ऑप्शन ए जो कह रहा है वो आपको क्या कह रहा है, देखिए आठ नंबर प्रश्न का हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ए में है आपको मंगल पांडे, क्या है मंगल पांडे, क्या है मंगल पांडे, ठीक है ना। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है ध्यान से सुनिएगा, वह है आपको क्या तात्या टोपे, क्या है तात्या टोपे, क्या है तात्या टोपे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको सी नंबर ऑप्शन है, क्या है सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, वह क्या है बेगम हजरत महल, कौन है बेगम, ठीक है ना, हजरत महल, क्या है हजरत महल, ठीक है ना। और चौथा जो है वो आपको क्या है जानते हैं, तो वह है आपको लक्ष्मी भाई, क्या है लक्ष्मी भाई, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन जो है आपको लक्ष्मी भाई। तो देखिए सबसे पहले 1857 के सिपाही विद्रोह से आपसे कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वो आपको किस तिथि को शुरू हुआ था, तो यह आपको 10 मई को शुरू हुआ था, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, मोटे तौर पर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। 1857 के सिपाही विद्रोह का जो प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि थी वो क्या थी, तो वो आपको 31 मई थी, ठीक है ना। 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाला जो पहला सैनिक था वो कौन था, मंगल पांडे था, ठीक है ना। तो आपका जो आठ नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए, यह होगा बेगम हजरत महल। और आपको पता होगा कि बेगम हजरत महल क्रांति के बाद क्या होते जानते हैं, तो आपको नेपाल चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं नेपाल चले जाते हैं। तो आइए सारे ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे, तो 1857 के सिपाही विद्रोह में जो शहीद होने वाले पहले सैनिक थे वो थे आपको मंगल पांडे, और इन मंगल पांडे जी को क्या होता है जानते हैं, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो 1857 के सिपाही विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, और इसी कारतूस का प्रयोग करने से इन्होंने क्या कर दिया जानते हैं, मना कर दिया। जब इन पर प्रेशर बनाया गया तो इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में इन्होंने अपने सीनियर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते, जो एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन्हें क्या होता है कि मुकदमा चलाकर फांसी की सजा जो होती है वो आपको दे दी जाती है। तो ये जो मंगल पांडे साहब है ये 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं वो आपको बैरकपुर से करते हैं, कहां से करते हैं बैरकपुर से, कब, तो आपको 29 मार्च 1857 को, ठीक है ना। अगर आप सही से कहिएगा औपचारिक रूप से कि हाँ कि ये जो 1857 का सिपाही विद्रोह है कब शुरू हुआ था, तो यह आपको 29 मार्च 1857 को ही हो गया था, ठीक है ना। लेकिन इसको जो रंग रूप दिया गया था वह आपको मई में दिया गया था, ठीक है ना, यानी कि 10 मई को जब यह मेरठ से शुरू हुआ था। तब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि मंगल पांडे जो है, ठीक है ना, वह आपको किस बैरक के सिपाही थे, तो यह आपको बैरकपुर छावनी के क्या थे, सिपाही थे, और यह आपको 34वीं बटालियन के क्या थे, सिपाही थे, मतलब 34 बटालियन जो है उसी के लिए सिपाही थे, इसको आपको याद रखना है। तात्या टोपे, ठीक है ना, यह आपको नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर से क्या कहते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और तात्या टोपे को क्या होता है कि आपको 18 अप्रैल 1959 को क्या होता है कि आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी में क्या होता है, फांसी दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो तात्या टोपे जो है वो आपको क्या होता है कि नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से। और कानपुर के बारे में चीज याद रखना चाहती हो कि कानपुर को हम लोग क्या कहते जानते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, दूसरा सुनिए, ठीक है ना, पहला कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दूसरा भारत का आपको बोस्टन किसे कहा जाता है, तीसरा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग सारे सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा कि जो बेगम हजरत महल है ये तो आपको अवध से यानी कि लखनऊ से 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और ये जो लक्ष्मी भाई है ये आपको झांसी से, कहां से है, झांसी से 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या किए थे कि आपको नेतृत्व किए थे। और ये आपको मतलब कि कल्पी में अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिसका नाम जो रहता है हीरोज, इसी हीरोज ने इनकी क्या कर देती है कि आपको हत्या कर देती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए नौवां प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्या कर रहा है सुनिए कि 1857 ये नौवां नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, कि 1857
का विद्रोह आरंभ हुआ था कब? 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। तो आपको बताया था कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ये आपको 10 मई को क्या हुआ था, शुरू हुआ था, कहां से जानते हैं? मेरठ से। तो एक चीज याद रखिएगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह के जो राष्ट्रीय नेता थे वो आपको कौन थे, तो ये आपको बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये 10 मई को शुरू हुआ था, ठीक है ना। और बहादुर शाह जफर जो थे वो आपको अंतिम मुगल बादशाह भी थे। क्या थे? अंतिम आपको मुगल बादशाह क्या है, अंतिम मुगल बादशाह जो कौन थे जानते हैं? तो ये आपको बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? जफर थे। और 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ही क्या होता है कि मुगल बादशाह के जो पद होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न को आप लोग समझ गए होइएगा कि 1857 का सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, 10 मई को, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सुनिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाऊंगे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। लेकिन कांग्रेस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आइए हम एक लाइन में क्या करते हैं कि आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये आपको देश की क्या है जानते हैं, सबसे प्राचीन पार्टी है। क्या है? देश की सबसे प्राचीन पार्टी है कौन, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। इस कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक थे, क्या थे संस्थापक थे, वो कौन थे जानते हैं? तो आपको ए ओ ह्यूम, कौन थे? ए ओ ह्यूम जो थे वो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। इनका पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये जो थे आपको स्कॉटिश व्यक्ति थे, ठीक है ना। मतलब यह ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा से क्या थे कि आपको रिटायर थे। इन्होंने ही आपको 28 दिसंबर, क्या है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना जो थे वो आपको बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में किए थे। और कांग्रेस की स्थापना के समय यानी कि इसके प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुई थी, ठीक है ना, उसमें आपको 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह था आपको अंग्रेजों को सुरक्षा कवच क्या करना जानते हैं कि तैयार करना, ठीक है ना। ये जो है इन्होंने कांग्रेस की स्थापना इसी दृष्टिकोण से क्या हुआ था कि आपको किए थे। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद इसका जो स्वरूप होता है साथियों वो क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। देखिए इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन थे, ठीक है ना। और आप लोग के कमेंट को हम देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें से कितने सारे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है ना। चलिए चलिए आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ लोगों का अभी तक कमेंट नहीं आया, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एक्टिव होकर पढ़िए, ठीक है ना। चलिए देखिए हम बाद में इसका आंसर बताएंगे, आप लोग पहले देखिए ये जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देखिए तो कांग्रेस के प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो आपको कौन थी जानते हैं, तो वे आपको एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम क्या कहेंगे, तो वो आपको एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है ना, कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उसी में ये अध्यक्ष बनी थी, और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है ना। लेकिन प्रथम महिला जो आपको भारतीय हो, ठीक है ना, और कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हो, तो वह है आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कब बनी थी जानते हैं, 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय आपको महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना, भारतीय महिला में, ठीक है ना, तो वह आपको सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और सीधे पूछेंगे कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष महिला में कौन थी, तो वह आपको क्या कहेंगे, एनी बेसेंट, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग को समझ जाना है, ठीक है ना। भारतीय लगा के पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। फिर यहाँ से कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो आपको कौन थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वह थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन
तैयब जी, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो हम आप लोग से पूछे थे कि कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। तो देखिए, तो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। देखिए, और ये लोग बने थे कब? तो देखिए, जॉर्ज यूल जो था कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था 1888 के, जो आपको इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था वहां पे बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, और सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, और प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी बने थे बम्बई अधिवेशन 1885 में। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह आपको कौन, तो उनका जो नाम है वो क्या नाम है, ध्यान से सुनेंगे, तो उनका नाम है श्रीमती आपको इंदिरा गांधी, जो 1959 में क्या हुए थे जानते हैं कि कांग्रेस के जो दिल्ली विशेष अधिवेशन हुआ था उसी में ये क्या हुए थे कि आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बनी थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे क्या कि कांग्रेस के प्रथम जो पारसी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो देखिए, कांग्रेस के जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वो आपको कौन थे। इस बात को आपको याद रखना है कि कांग्रेस के जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वो आपको दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इसी दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की क्या किए थे कि आपको 1867-68 में क्या किए थे, गन्ना किए थे, ठीक है ना। दूसरी बात कि दादा भाई नौरोजी ने भारत से क्या किए थे कि आपको धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, यानी कहने का मतलब हुआ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिए थे वो आपको कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। भारत से जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो धन भारत में ले जा रहा था उसके बारे में सबसे पहले आपको दादा भाई नौरोजी ने ही चर्चा किए थे। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भी है, जिन्होंने 1892 में फिंसबरी जो आपको क्षेत्र है वहां से इन्होंने क्या हुआ था कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे। तो वहीं आपका 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वह आपको यहां से स्पष्ट नजर आता होगा, ये ह्यूम थे, मतलब कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और कांग्रेस क्या है, तो देश की सबसे प्राचीन पार्टी है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए कि 10 क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस किए, ठीक है ना। कल जो है हम 10 से आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, और यह एनालिसिस जो होगी आपको प्रतिदिन होगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लाभ जो है आपको भी मिल सके और आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा।